सो हे एवरीवन आज ना मैं ना तीज का मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ अपनी बहन के ऊपर आई नो तीज जा चुका है बट मैं तो तीज वाले दिन रेडी कर रही थी ना तो इसीलिए इसको आज अपलोड कर रही हूँ तो यहाँ पे ना मैं बहुत ही सिंपल सा लुक क्रिएट करूँगी इस लुक को ना आप करवा चौथ में या फिर कोई भी फेस्टिवल में ईजीली क्रिएट कर सकते हैं एंड बिगिनर्स भी बहुत ईजीली सीख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा टूटोरियल इसमें बताने वाली हूँ तो चलो स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो ना तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देना लाइक एंड शेयर जरूर कर देना तो सबसे पहले देखो मैंने ना उसके फेस को अच्छे से क्लीन कर लिया था और उसके बाद मैंने अप्लाई किया था वेदिक लाइन का टोनर मेकअप करने से पहले आप लोग को पता है स्किन प्रैप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है स्किन को अच्छे से प्रैप करना हाइड्रेट रखना वरना मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा केकी लगता है तो अभी लगाऊँगी यहाँ पर मॉइस्चराइज़र मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने यूज़ किया लैकमे का पीच मिल्क मॉइस्चराइज़र बहुत ज़्यादा अच्छा है स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट रखता है और आपकी स्किन में ना जितनी भी डलनेस होती है ना वो चली जाती है शेज लगाने अगर से अगर स्किन में ड्राइनेस है तो वो भी चले जाती है मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्राइमर जिसके लिए मैं ले रही हूँ मालियो का पोर प्राइमर क्योंकि मेरी दीदी के स्किन में थोड़े थोड़े से हल्के हल्के से पोर्स भी हैं क्योंकि पहले उनको पिम्पल थे अब बिल्कुल नहीं है लेकिन जो उसके पोर्स है वो रह गए हैं इसीलिए यहाँ पर मैं पोर प्राइमर यूज़ कर रही हूँ तो जिसके स्किन में पोर है वो पोर वाला यूज़ कीजिए जिनको नॉर्मल है कुछ भी नहीं है स्किन क्लियर है तो वो नॉर्मल सिलिकॉन बेस्ड या फिर क्रीम बेस्ड कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं अब पूरे फेस पर अच्छे से प्राइमर अप्लाई कर दिया और आज मैं बिल्कुल भी हैवी मेकअप नहीं करूँगी अब देखना मैं सब चीज़ें बहुत ही कम कम क्वांटिटी में लगाने वाली हूँ बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप या बहुत ज़्यादा वो वाइट हो जाता है मेकअप वो अच्छा नहीं लगता है वो मेकअप अच्छा ना थोड़ी देर बाद ग्रे हो जाता है तो इसको चाहिए था एकदम डुई सा लुक इसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मुझे एकदम ग्लॉसी और डुई वाला लुक देना तो इसके लिए मैंने यहाँ पे अप्लाई किया था फेस पे ऑयल जो था कलर बार का आर्गन ऑयल जो बहुत अच्छा आपने मेरे बहुत सारी वीडियो में देखा होगा अभी मैंने उसको शो नहीं किया क्योंकि मैंने उसको एक छोटी सी बॉटल में, ड्रॉपर में निकाल कर रखती हूँ क्योंकि तो उसको ड्राइवर में ले जाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है इसलिए मैंने एक छोटे से ड्रॉपर में निकाल के रखा है ऑयल लगाने के बाद दो से तीन मिनट तक वेट किया मैंने ताकि वो स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए अब करेंगे यहाँ पे इनका कलर करेक्शन देखिए तो मैंने यहाँ पे यूज किया है मार्स का ये कलर करेक्टर पैलेट जो बहुत ज्यादा अच्छा है मैंने पहले भी इसके बारे में रिव्यू शेयर किया है आप लोगों से बहुत अमेजिंग पैलेट है मैंने इसको भी बहुत बार यूज़ किया है तो यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा डार्क सर्किल नहीं है हल्की बहुत डार्क सर्किल और थोड़े से पोर्स हैं जिसको कवर करने के लिए ना मैंने ऑरेंज नहीं आप देख सकते हो तो हल्का पीच लाइक जो डार्क कलर का कंसीलर होता है ना आप उसको यूज़ कर सकते हो थोड़ा सा मैंने चिक्स पे अंडर आइज पे और जहाँ भी थोड़े बहुत मुझे पोर्स लग रहे थे या पिगमेंटेशन लग रही थी या डार्क एरियाज थे बस वहाँ पर अप्लाई करके ब्यूटी ब्लैंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे तो अब बारी आती है फाउंडेशन की जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ पी का ई एच फाउंडेशन और ये ना बहुत अच्छी कवरेज देता है बिल्कुल हाई कवरेज फाउंडेशन है ये वाला और मेरा वन ऑफ फेवरेट भी है तो आप लोग को मैं एक चीज़ बता दूँ मेकअप करते हैं ना तो बहुत लोग तो मुझे पूछते हैं हमारा मेकअप ग्रे क्यों हो जाता है केकी क्यों हो जाता है थोड़ी देर में काला हो जाता है उतर जाता है ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है इसके लिए मैं आपको बता दूँ सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है आपके स्किन को प्रैप करना स्किन अच्छे से प्रैप रहेगी तो मेकअप बहुत अच्छे से फ्लॉलेस होगा सेकेंड चीज़ होती है आप प्रोडक्ट को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं बहुत लोग बोलते हैं हमारे पास बहुत अच्छे ब्रांड के प्रोडक्ट है देखिए मेरा मानना यह है कि कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट हो आपके पास अगर आपको करना आता है ना तो आप लोकल ब्रांड से भी कर सकते हैं और अगर आपको करना नहीं आता ना तो आपके पास जितना भी हाई ब्रांड का प्रोडक्ट हो आप नहीं कर पाएंगे जितनी भी ऊँची क्वालिटी का रख लें अभी आपने मेरी फाउंडेशन की क्वांटिटी देखी मैंने कितनी ली थी बिल्कुल हल्का सा लिया था और उसी में आप बेस देख सकते हो तो कितना ज़्यादा ग्लॉसी लग रहा है और कितना ज़्यादा मतलब फिनिशिंग भी है इस बेस में तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट हमको बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं लेना अगर आप आप सेल्फ कर रहे हो या फिर अभी आप बिगनर्स होना तो आप इसी तरीके से करो बहुत लोग देखना मेकअप एकदम गोरा गोरा कर देते हैं वो चीज़ तो बिल्कुल भी नहीं करनी है और जब आप फाउंडेशन ब्लाइंड करो ना तो अंडर आई एरिया को छोड़ दो मतलब पहले आप पूरे फेस पर कर लो तो फिर जो थोड़ा बहुत फाउंडेशन बचा रहता है ना आपकी ब्यूटी ब्लेंडर में फिर उसको लेके आप अंडर आई के नीचे ब्लेंड करो उसके बाद देखो ब्लेंडिंग हो गया फाउंडेशन अब मैंने यूज करते हैं का कंसिलर, बहुत क्रीमी है, एक -एक कंसिलर बहुत जिस वजह से अंडर आई के नीचे क्रेज आ जाती है, और बहुत लोग बहुत ज्यादा भी लगा लेते हैं तो मैंने यहाँ पे देखो बहुत ही कम कंसीलर लगाया है और जहाँ जहाँ पे मुझे अच्छे से लगा के ब्यूटी ट्यू ब्लैंडर से ब्लेंड कर दिया है अब सारा लिक्विड जीज लगा चुकी यानी कि बेस पूरा बन चुका है अब बारी आती है बेस को सेट करने की और मुझे बिल्कुल भी ड्राई लुक नहीं चाहिए थे इसको एकदम ग्लॉसी लुक चाहिए था तो इसलिए मैंने जो है ना लूज पाउडर बहुत ही कम क्वांटिटी में लगाए मैं यूज़ करी हूँ लैकमे का लूज पाउडर जो बहुत अच्छा है और ये वाला शेड ना हर एक के स्किन में चला जाता है जिसका शेड आई थिंक मुझे एग्जैक्ट तो नहीं याद है मैंने देखो डायरेक्ट पाउडर से ना मतलब उसके डब्बे से डिप नहीं किया था मैंने हल्का सा ना ढक्कन में थोड़ा सा लूज़ पाउडर को निकाल लिया फिर एक ब्रश की हेल्प से ना मैंने लेके उसको पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करके बेकिंग कर ली थी उसमें भी पॉड जितना एक्स्ट्रा पॉडर मतलब ब्रश में जितना भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ना उसको आपको सबसे पहले निकाल लेना है फिर पूरे फेस पर पे टैप टैप करके पाउडर को लगा लेना है अब बारी आती है ब्लश की जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मालियो का ये वाला ब्ल पाउडर ब्लश है लेकिन मैंने ना इसमें थोड़ा सा मॉइस्चराइजर मिक्स करके और ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर देता है एंड बहुत अच्छा लगता है एकदम शाइन कर रहा था अब आती है हाईलाइटर की बारी जिसके लिए मैं यूज़ करी शुगर का ये लिक्विड हाईलाइटर जिसके देखो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी क्वान्टिटी ली है अब आपको क्या करना है इसको डायरेक्ट फेस पर नहीं लगाना है आपको अपने हाथ में लेना है पीछे थोड़ा सा और हल्का सा उसको पहले रब करना है और फिर अप्लाई कीजिए इससे क्या होगा ना जो हाइलाइटर है वो बहुत अच्छे से लगेगा और अगर आप डायरेक्ट स्किन पर लगा दोगे ना तो वो एक जगह से पैच हो जाएगा मतलब एक जगह वो हाईलाइटर रह जाएगा और ब्लेंड भी नहीं होगा प्रॉपर तरीके से इस तरीके से आपको हाईलाइटर लगाना है तो अब आ रही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है हाईलाइट लाइट आई शेडो की तो आई शेडो के लिए देखो मैंने बहुत ही सिंपल सा लिया है एक बिल्कुल न्यूड कलर का शेड लिया है लाइट शेड लिया है और उसको पहले पूरे बेस पे अप्लाई करूंगी मैं पूरे लाइट शेड को उसके पहले देखो मैंने अपने आइस पर भी बेस लगा लिया था लाइक कंसीलर को मैंने पूरे आइस पर भी लगा लिया अगर आप बिना कंसीलर लगाए आई मेकअप करोगे ना तो आई शेडो का जो पिगमेंटेशन है ना वो बिल्कुल भी उभर के नहीं आएगा उस पर आइज पर तो इसलिए आई बेस बनाना बहुत जरूरी अब मैंने एक बहुत ही लाइट शेड का आई शेडो लेके ना पूरे लीड पे लगाया फिर एक हल्का सा मैंने बहुत हल्का सा एक पिंक और ब्राउन कलर को मिक्स करके पूरे लीड पे लगाया जिससे आप देख सकते हो एक हल्का सा पिंकिश शेड आ गया पे फिर मैंने यहाँ पे यूरोप गर्ल का एक ग्लिटर पैलेट लिया जिससे आप जिस आपने जो कि मेरे हर वीडियो में देखा होगा इसमें से एक न्यूड कलर का शेड लेके ना हल्का हल्का सिर्फ आई बॉल पर अप्लाई कर लेंगे और आई मेकअप देखो लुक क्रिएट हो गया और आई मेकअप बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था अब लास्ट में थोड़ा क्लोजली पिक मैं दिखाऊंगी तो उसमें देखना नाउ आई एम अप्लाइंग आई लाइनर जिसके लिए मैं आज कोई लिक्विड कोई पेंसिल लाइनर नहीं यूज़ कर रही हूँ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ जेल लाइनर जेल लाइनर बहुत ही ज़्यादा नेचुरल दिखता है और बहुत नेचुरल से लुक देता है एंड लगाने में भी, भी बहुत ईजी होता है बहुत लोग तो बोलते हैं जेल लाइनर लगाना बहुत टफ होता है बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं मेन लिए तो सबसे ज़्यादा ईजी होता है जेल लाइनर ही लगाना लाइनर लगाने के बाद यहाँ पे लगाएंगे काजल जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मालियों का ये काजल ये मुझे उतना ज़्यादा नहीं पसंद आया सबसे बेस्ट काजल था अभी तक का मेरा ग्लैम ट्वेंटी वन का और वो काजल इतना ज़्यादा अमेजिंग है वो एक ही स्कॉच में बहुत डार्क लग जाता है और मेरा फेवरेट है पर पता नहीं वो मुझसे कहाँ गुम हो गया मुझे मिल ही नहीं रहा था काजल लगा लिया अब लगा लिया मस्कारा और उसके बाद ना आई लुक को कम्प्लीट कर लेंगे लास्ट में मैंने आई लेशेज़ भी लगाए जिसका वीडियो मैं बनाना भूल गई इसमें लेकिन मैंने आपको अगर आई लेशेस लगाना सीखना है कि प्रॉपर आईलेश कैसे लगा सकते हैं इजी तरीके से तो उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो अपलोड की है तो आप लोग मेरे चैनल में जाके कर वहां पर देख सकते हो मस्कारा हो गया था अब आती है लिपस्टिक की बारी तो मैं यहाँ पे यूरोप घर का ये लिपस्टिक पैलेट यूज़ करूँ अब देखो इसको जो शेड चाहिए था ना वो मेरे पैलेट में था ही नहीं तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी दो शेड को मिक्स करके ना लिपस्टिक बनाऊंगी एक मैंने डार्क कलर लिया और यहाँ पे एकदम लाइट पिंक कलर है दोनों को मिक्स करके ना मैंने ये वाला पिंक बनाया जो उसको चाहिए था अगर आपको लिपस्टिक का मिक्स मैक्स करना नहीं आता है तो आप लोग मुझे कमेंट करना मैं आप लोग को बताऊंगी कि आप कौन से कौन से शेड को मिक्स करके ना आप बहुत ही अच्छी अच्छी, अच्छी लिपस्टिक बना सकते हो तो ये एक लिपस्टिक पैलेट ना मेरे लिए बहुत होता है अब देखो जब मैंने मिक्स किया ना और जब लगाया ना एग्जैक्ट वही शेड आया था जो हमें चाहिए था सब कुछ करने के बाद मुझे याद आया मैं तो ब्राउज़ फ़िल करना ही भूल गई थी जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ फिर यहाँ पे मैंने आईब्राउज को फिल किया बहुत ही हल्का हल्का ब्लैक और ब्राउन कलर लेके क्योंकि इसकी आईब्रो हल्की सी ब्राउन है एकदम ब्लैक नहीं है तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे आईब्रोज फिल करने के बाद लास्टली मैं यहाँ पर करूँगी मेकअप फिक्सर जिसके लिए मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का ये मेकअप फिक्सर फिक्सिंग करने के बाद अब आता है हमारा फाइनल लुक हेयर स्टाइल कंप्लीट हो गया सब चीज़ कंप्लीट हो गया एंड ये है इसका फाइनल लुक कैसा लग रहा है आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताना एंड बताना कि नेक्स्ट और कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो आई होप आपको ये वाला लुक आज अच्छा लगा होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर देना सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना एंड ये बहुत ज़्यादा खुश से मेकअप देख सकते हो कितना ज़्यादा डोई ग्लॉसी और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था सामने से तो और भी ज़्यादा सुंदर लग